चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने जब पीसीआर कर लिया उस फॉरेन जीन का, तो अब हमारे पास है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लें। तो अब हमने क्या किया, ये देखिए ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ये देखिए ये हमारा फॉरेन डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, ये हमारा है फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन कह सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए फॉरेन जीन है। ये देखिए इसको हमको जोड़ना है, ये हमारा प्लाज्मिड है जो कि प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में काम करता है। आप लिख लीजिए सर ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड किसका है, ये प्लाज्मिड अभी जो है लिया गया है स्टेप के तौर पे एशेराचिया कोलाई का, ये स्टेप के तौर पे एशेराचिया कोलाई का प्लाज्मिड लिया गया है। अब हमने क्या किया, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया, ये देखिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया, इस डीएनए लाइगेज ने क्या किया, ये हमारा प्लाज्मिड है और इस पे हमने ले आके ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है इसको ले आके जोड़ दिया। जब हमने डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया तो ये जो जीन है, ये जीन है एम्पीसिलिन का, जिसको हमने जोड़ दिया है इस प्लाज्मिड में ले आके डिजायर्ड जीन को, एम्पीसिलिन पे जीन का जीन ले आके जोड़ दिया। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है, या इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं। ये देखिए मतलब अगर आप देखें तो ये जो सेल है ये पेंसिलिन रेजिस्टेंट सेल है, सॉरी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट रिकॉम्बिनेंट है। अगर आप समझें तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। अभी ये रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि हमने इसके ऊपर ले आके एम्पीसिलिन के जीन को जोड़ दिया है जिसका हमने पीसीआर किया था। कहने के तौर पे मतलब ऐसा नहीं है कि यही हम हमेशा करेंगे, लेकिन अभी हमने ट्रायल के तौर पे ऐसा जोड़ दिया है। फिर ये देखिए ये इससे ये है से होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब अगर आपसे पूछूंगे कौन सी सेल है तो कहेंगे सर ये जो होस्ट सेल है इसे हम लोग एशेराचिया कोलाई कहते हैं। ये देखिए होस्ट सेल जो है इसे एशेराचिया कोलाई कहते हैं। ये देखिए ये एशेराचिया कोलाई है, इसके ऊपर ये डीएनए है और इस डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला आता है सेल के अंदर तो इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि जब हम इस डीएनए को इस सेल के अंदर भेज देते हैं तो इसे हम लोग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ आप यहां देख लें, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हमने इस बैक्टीरिया को होस्ट सेल के अंदर इसे भेज दिया। अब जिस सेल के अंदर हमने भेजा, जिसके अंदर ये चला गया, उस सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब ये जो सेल है जिसके अंदर ये चला गया है इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। इसी से हमें एम्पीसिलिन मिल सकती है। ये देखिए अब हमें ये जो जीन है एम्पीसिलिन का जो जीन है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर, हमको हम चाहते हैं किसी तरह के हमको ढेर सारे एम्पीसिलिन मिल जाए, क्योंकि ये जीन कैसे प्रकट होता है, जीन के प्रकट होने का केवल एक तरीका है कि डीएनए से आरएनए बने और आरएनए से उसका प्रोडक्ट प्रोटीन बन जाए। तो अब आप समझिए कि आपके पास दो तरह के ऐसे सेल्स होंगी, एक सेल्स है जिनके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और दूसरी है जो एम्पीसिलिन नॉन रेजिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आप कैसे तय करेंगे, अगर आपको यह तय करना हो कि ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे तो आपको इसको किस मीडियम में डालना पड़ेगा। आप इसे एम्पीसिलिन के जब मीडियम में डालेंगे तो ये जो है सर्वाइव करेगा और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो एम्पीसिलिन के मीडियम में क्या होगा, उसके मर जाएगा। ऐसे सेलेक्ट करते हैं इसको, या अगर आप चाहें तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट भी देख लें, ज्यादा अच्छा हो कि आप इस बात को सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ये भी समझ लें, क्योंकि जरूरी है कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आपको क्लियर ना हो। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये देखिए ये हमारे पास ढेर सारी सेल्स हैं इस एशेराचिया कोलाई के अंदर, जिसके हमने ऑलरेडी किसको डाल रखा है, ये देखिए इस तरह से
ऐसे हमने इसको डाल रखा है और इसके अंदर हमारा ये देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा। अब हमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मान लीजिए हमें नहीं पता है, ये ऐसी ढेर सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसको हमको पता करना है कि इसमें कौन सा ट्रांसफार्मेंट है और कौन सा हमारा क्या है नॉन ट्रांसफार्मेंट है। अभी ढेर सारी बैक्टीरियल सेल्स हैं, कौन सी बैक्टीरियल सेल्स है, एशेरिया चकोलाई की सेल्स है। अब हमने इन्हें क्या किया कि जितनी भी सेल्स हैं सबको उठा के ये देखिए पहले किस मीडियम में डालेंगे, एम्पीसिलिन के मीडियम में डाल दिया। ये देखिए ये एम्पीसिलिन है, ये एम्पीसिलिन है, इसी मीडियम में हमने इनको लेके डाल दिया। एम्पीसिलिन होती क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एम्पीसिलिन होती है एंटीबायोटिक, बोलिए हाँ सर एंटीबायोटिक होती है, सही कह रहे हैं आप। अब इसके अंदर हमने सारी सेल्स डाल दिया, अब ऐसे समझे इस बात को कि हमने ये देखिए सारी सेल्स इनके अंदर डाल दिया, तो अब इसमें जो सेल्स सर्वाइव करेगी एम्पीसिलिन के मीडियम में, ये मैंने ऐसे डाल दिया। अब आप देखिए इसमें कि इसकी स्थिति ये है कि अगर इसमें जो सेल्स सर्वाइव करेगी, मान लीजिए सारी सेल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं, इसमें जो सर्वाइव करेगी ऐसे, ये देखिए अब यहां पर मान लीजिए ये सेल सर्वाइव नहीं कर पा रही है, ये सेल सर्वाइव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट जीन नहीं है, जबकि ये सर्वाइव कर पा रही है, ये सर्वाइव कर पा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है। तो अगर आप इसका देखें रिजल्ट देखें क्या आता है, कैसे नहीं करते हैं रिजल्ट देखें कि कौन सा ट्रांसफार्मेंट है, तो जो ट्रांसफार्मेंट है ऐसे आप देख सकते हैं, जो ट्रांसफार्मेंट है देखिए ट्रांसफार्मेंट है, देखिए सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम, ये सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम, जो ट्रांसफार्मेंट है वो एम्पीसिलिन के मीडियम में सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम वो एम्पीसिलिन के मीडियम में सर्वाइव कर रहा है। लेकिन दूसरा जो नॉन ट्रांसफार्मेंट है जिसके अंदर एम्पीसिलिन का जीन नहीं है उसे नॉन ट्रांसफार्मेंट कहते हैं, वो नॉन ट्रांसफार्मेंट है, ये देखिए नॉन ट्रांसफार्मेंट है, लिख लीजिए डू नॉट सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम, डू नॉट सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम, डू नॉट सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम, ये एम्पीसिलिन के मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा, ये देखिए डू नॉट सर्वाइव इन एम्पीसिलिन मीडियम। तो ट्रांसफार्मेंट एम्पीसिलिन के मीडियम में सर्वाइव करेगा, लेकिन नॉन ट्रांसफार्मेंट एम्पीसिलिन के मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। अब इसका जो लास्ट स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग फॉरेन डीएनए का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग अचीव करेंगे, ये लास्ट स्टेप देखते हैं इसका। ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं कह सकते, इसके बाद एक स्टेप और है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग जो हमने फॉरेन डीएनए जो है प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन किया होस्ट के अंदर, ट्रांसफार्मेंट बनाया, उस ट्रांसफार्मेंट को हम एक कल्चर मीडियम में डेवलप करते हैं, उस कल्चर मीडियम को हम लोग यहाँ पर बायोरिएक्टर कह रहे हैं। तो आप देखिए बायोरिएक्टर जो होते हैं ये एक तरह के कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है जहां पर, कल्चर मीडियम मतलब जहां पर हम बैक्टीरिया को सर्वाइव कराते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मेंट है उसे हम लोग सर्वाइव कराते हैं। यहाँ पर जो होस्ट होता है, जो होस्ट होती है मतलब जिसका काम करना है, उसका यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए होता है कि इसको यहाँ पर हम लोग सुटेबल मीडियम देते हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये इसकी होस्ट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आपको ये ध्यान रखना है। बायोरिएक्टर्स में जो होस्ट सेल है जिसपे हमने अपना डिजायर्ड जीन डाला हुआ है उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसके बाद ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये लगभग 100 से लेके 1000 लीटर तक के होते हैं, ये बायोरिएक्टर्स ये 100 से लेके 1000 लीटर तक होते हैं। अगर आप देखें ये बायोरिएक्टर है, एक बायोरिएक्टर के पास क्या क्या चीजें होती हैं, पहले आप एक बार नाम देख लें, ये बायोरिएक्टर है, एक बायोरिएक्टर के पास होता है क्या क्या चीजें देखना है, एनसीईआरटी कवर करनी है बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम मतलब जो मिक्सिंग का काम करता है, मोटर होती है जो इसको मिक्सिंग का काम करती है। फिर देखिए पीएच कंट्रोल सिस्टम, उसमें पीएच को कंट्रोल करने के लिए थर्मामीटर लगा रहता है। ये देखिए
थर्मामीटर या टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, इसमें टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, इसमें फोम ब्रेकर होते हैं, ये फोम ब्रेकर होते हैं। और देखिए इसमें सैंपलिंग पोर्ट होता है, सैंपलिंग पोर्ट वो होते हैं जहां से थोड़ा सा थोड़ा सैंपल निकाल के हमेशा हम देखते रहते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट अंदर बन रहा है वो सही है गड़बड़ है, सैंपलिंग पोर्ट होता है। इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, कैसे सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इसके पास होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, एजिटेटर सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर है, फोम ब्रेकर है, जो ब्रेक कर रहा है, सैंपलिंग पोर्ट के सिस्टम है और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। एक बात आप और देखिए, ये बायोरिएक्टर में जो है सुटेबल एनवायरमेंट होता है, सुटेबल कंडीशंस होती हैं ताकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल कंडीशंस बनाने के लिए हम बायोरिएक्टर में एंजाइम्स को ऐड करते हैं, जिस भी एंजाइम जो एंजाइम उस प्रक्रिया को कैटलाइज करे। फिर देखिए हम लोग साल्ट्स को लगातार ऐड करते हैं, हम लोग विटामिन्स को अलग तरह से ऐड करते हैं, साल्ट्स को विटामिन्स को हम लोग सबस्ट्रेट को लगातार जोड़ते रहते हैं, उसमें डालते रहते हैं। फिर ये देखिए हम लोग जो है सबस्ट्रेट को डालते रहते हैं, आयंस को डालते रहते हैं, जो भी चीजें हैं मतलब जिसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर पाए। मैंने पहले लिखा कि उसमें उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो एंजाइम्स हैं, साल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, सबस्ट्रेट है, आयंस हैं, इनको लगातार ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर सुटेबल मीडियम मिलता है और बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल या यहाँ पर लैग ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, लैग ग्रोथ होती है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, तो आपको ये बात सीखनी चाहिए। अब आपकी एनसीईआरटी ने दो तरह के बायोरिएक्टर्स बना रखे हैं, फिर सुन लें, आपकी एनसीईआरटी ने दो तरह के बायोरिएक्टर्स बना रखे हैं। अगर आप टाइप देखें तो पहला जो है वो स्टायर्ड वाला है, स्टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर, स्टायर्ड टाइप बायोरिएक्टर, ये पहला वाला है। तो आप पहले स्टायर्ड वाला देख लें कि स्टायर्ड वाला क्या है और स्पार्ज्ड वाला क्या है, ये दो तरह के बायोरिएक्टर हैं। पहले स्टायर्ड बायोरिएक्टर है, तो अगर आप देखें इसका जो बेस है वो सिलिंड्रिकल होता है, अगर आप इसका बेस देखें तो इसका बेस कैसा होता है, इसका बेस सिलिंड्रिकल होता है, आप ये बात देख लें, बेस इसका सिलिंड्रिकल होता है। अगर आपको बनाना हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सर ये देखिए ये इसका बेस है, इस तरह से ये हमारा बायोरिएक्टर है। आपको सारी चीजें समझनी है ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी आपके दिमाग में ना आए। इसका बेस कैसा है, सिलिंड्रिकल है। फिर आप देखें हम लोग क्या करते हैं इस बायोरिएक्टर में, इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर मोटर लगा देते हैं, मोटर लगाने के बाद ये ब्लेड है जिसके अंदर से जाती है, ब्लेड है यहाँ पे, ये ऐसे इसके अंदर चली जाती है इस तरह से, मोटर इसी ब्लेड को घुमाती है। फिर अब आप देखें इस ब्लेड में ऐसे चौकोर, ऐसे खास तरह के फ्रोम ब्रेकर लगे हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे खास तरह के फोम ब्रेकर लगे हुए हैं इस तरह से, ये फोम ब्रेकर ब्लेड्स लगी हुई है, ये ब्लेड्स है, जब ये मोटर घूमती है तो ये फोम को ब्रेक कर देती है। तो आप लिख सकते हैं सर ये फोम ब्रेकर ब्लेड्स, मतलब अगर फोम बनता है तो उसे ये ब्रेक करती है, फोम ब्रेकर ब्लेड्स, ये मोटर लगा हुआ है, इसमें मोटर लगातार घूम रही है, इसके अंदर हमारा वो डीएनए पड़ा, वो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट या डिजायर्ड जीन पड़ा हुआ है। फिर आप देखिए इसके सिवा यहाँ पर इस कहीं लोकेशन पर हम एक टेम्परेचर का मतलब थर्मोमीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लोग एक तरफ थर्मोमीटर लगा देते हैं, जिससे हम लगातार टेम्परेचर को देखते रहते हैं कि भाई थर्मोमीटर लगाते हैं और लगातार हम टेम्परेचर को देखते रहते हैं, ताकि किस पे वो मतलब हमें ये देखना है कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया पड़ा है वो किस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है। यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं यहाँ पर किसी जगह पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम एसिड बेस इंडिकेटर लगा देते हैं, ये देखिए क्या लगा देते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। हम यहाँ पर पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं, ये देखिए पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा देते हैं, इसे हम पीएच को हमेशा चेक करते रहते हैं। अगर यहाँ पर पीएच मान लीजिए एसिडिक होता जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा बेस मिला देते हैं, बेसिक होता जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, ताकि यहाँ पर पीएच कंट्रोल रहे।
कोई एक और जगह होती है जहां से हम ऑक्सीजन को लगातार पंप करते रहते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे तो यहां से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पंप करते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं O2 पंपिंग सिस्टम है। हम यहां से लगातार ऑक्सीजन को पंप करते हैं, O2 पंपिंग सिस्टम है, लगातार ऑक्सीजन को पंप करते रहते हैं। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, इसमें साल्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, सबस्ट्रेट है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब इसके अंदर लगातार बैक्टीरिया अपनी आप ग्रोथ कर रहा है। किसी एक जगह से सैंपलिंग पोर्ट लगा देते हैं। सैंपलिंग पोर्ट से, ये देखिए, ये सैंपलिंग पोर्ट है जहां से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाल के लगातार चेक करते रहते हैं। ये देखिए, लगातार चेक करते हैं, सैंपलिंग पोर्ट कहते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पीएच कंट्रोल सिस्टम, ये है टेम्परेचर, O2 सिस्टम। ये जो मशीन है, मोटर यहाँ लगी हुई है, ये हमारा क्या हो गया, एजिटेटर सिस्टम। अगर आप देखिए, एजिटेटर माने जो उसको घुमा रहा है, पीएच कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा रखा है, सैंपलिंग पोर्ट लगा रखा है, और ऑक्सीजन को पंप लगातार कर रहे हैं। हम लगातार जब घुमाते रहते हैं तो किसी एक जगह पर बेस की तरफ नीचे पर यहाँ पर हम लोग एक आउटलेट लगा देते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है, तब हम इस आउटलेट से सारे सैंपल को निकाल के बाहर कर लेते हैं। सैंपल को या प्रोडक्ट को, बैक्टीरिया को, साल्ट्स को, विटामिन्स को, जितनी चीजें हैं सबको निकाल के बाहर कर लेते हैं। और ये जो हमारा टाइप है, इसे स्टाइल्ड टाइप बायोरिएक्टर कहते हैं। इस स्टाइल्ड टाइप में मोटर होती है, देखिए मोटर होती है, ध्यान रखना है, और सारी चीजें ऐसी बनी होती हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। इसका जो दूसरा टाइप है बायोरिएक्टर का, अगर आप देखें तो जो उस दूसरा वाला है उसे कहते हैं स्पार्स्ड बायोरिएक्टर। ये देखिए, दोनों में फर्क आप देखें, दोनों ही बायोरिएक्टर हैं, दोनों का वही काम है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इसका बेस देखें तो इसका बेस सिलेंड्रिकल है, लेकिन अगर आप इसका बेस देखेंगे तो इसका बेस फ्लैट होता है। ये देखिए, इसका बेस कैसा है, फ्लैट है, मतलब सिंपल सा फ्लैट है। दोनों में डिफरेंस पहले तो यही आ गया, इस फ्लैट है। दूसरा देखिए, इसमें यहाँ बीचों बीच इस जगह पर ऐसे खास तरह का स्टारर लगा रहता है। ये देखिए, ये खास तरह का इसमें स्टारर लगा हुआ है जो इसमें पड़े हुए प्रोडक्ट को मिक्स कराता है। चाहे तो आप ऐसे बना लें, इसका नाम लिख लें कि सर ये स्टारर है। स्टारर माने जो इसमें मिक्सिंग का काम करता है। देखिए, दोनों में फर्क देखिए, इसमें मोटर लगी हुई है लेकिन उसमें मोटर नहीं लगी हुई है। पहला फर्क आ गया, इसका जो बेस है कॉनिकल है लेकिन उसका बेस कैसा है, फ्लैट है। ये बात समझ लीजिए, स्टारर लगा हुआ है। इससे स्पार्ज इसलिए कहते हैं कि यहाँ नीचे से एक खास तरह का स्पार्जर लगा देते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पार्जर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पार्जर कहते हैं। हम यहाँ पर ऑक्सीजन को लगातार पंप करते रहते हैं, लगातार O2 को पंप करते हैं स्पार्जर के थ्रू। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाती है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐसे लगातार बबल्स का फॉर्मेशन करती है। ये हमारा बीटा सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो वहां वहां पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखें, कोई मोटर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने तो नहीं दिखाया, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा कि देखिए सर, ये हमारा पीएच कंट्रोल सिस्टम है, वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं दोनों में। पीएच कंट्रोल सिस्टम है ये वाला, हम यहाँ पर पीएच देखते रहते हैं। ये हमारा, ये देखिए थर्मामीटर है, इसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, थर्मामीटर है। ये हमारा स्टायरर है और ऑक्सीजन को नीचे से पंप कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रही है और ऑक्सीजन को ये लगातार मिला रहा है। ये स्टायरर जो है एजिटेटर है और ऑक्सीजन यहाँ बबल्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जा रही है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आउटलेट है, तो फर्क दोनों क्या है, ये देखिए फर्क ये है कि इसका बेस कोनिकल है, उसका बेस फ्लैट है, उसमें ऑक्सीजन को पंप किया जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन को बेस से डाला जा रहा है। फिर आप देखें, यहाँ पर पीएच कंट्रोल सिस्टम थर्मामीटर सेम है, यहाँ पर मोटर लगी है, वहां पर मोटर नहीं लगी हुई है। ये दो तरह के बायोरिएक्टर हैं जिन्हें आपके एनसीईआरटी में सिखाया गया है। हम लगातार इस पे काम करते रहते हैं और इसमें फाइनली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन जाती है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उसे कहते हैं
ऐसे आप चाहे लिख लें, आपकी इंसर्टिंग लिखा हुआ है तो आपको भी लिखना चाहिए कि सर देखिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ये है कि when a gene expressed in heterologous host, ये देखिए जब कोई जीन हेटरोलॉगस होस्ट में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, तो हम इस तरह के जीन को, इस तरह के प्रोटीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। तो इस तरह के दो बायोरिएक्टर हैं आपके एनसीईआरटी में और दोनों ये बायोरिएक्टर को सीखना है। फाइनली हम सारे केमिकल्स को बाहर निकाल के ड्रेन कर लेते हैं और ड्रेन करने के बाद इसके लास्ट स्टेप पे जाते हैं, जिस स्टेप को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या जिसमें हम लोग फाइनली प्यूरिफिकेशन करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। बेटा ये देखिए लास्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं इस बायोरिएक्टर में, मैंने इस पार्ट वाला फिगर बना रखा है, इसमें लगातार हम लोग मीडियम में, ये एक्सपोनेंशियल मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया लगातार ग्रो करता है, इसमें एंजाइम सब्सट्रेट सारी चीजें हमने आपको बता दिया, इसमें उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जिस भी बैक्टीरिया को हम डालते हैं उस बैक्टीरिया की इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो लगातार ग्रोथ करता है। फिर जब इसमें खूब सारा प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब इसमें बैक्टीरिया अपने प्रोडक्ट डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाती है, लगातार उस सब्सट्रेट का यूज करके प्रोडक्ट बना लेता है, तो हम इस आउटलेट से, ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं, इस आउटलेट से सारे प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें बैक्टीरिया भी है, अनवांटेड सब्सटेंस भी है, सारी चीजें हैं, तो हम उसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में लाते हैं। हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को एक लैंग्वेज में अगर लिख दें, डाउन स्ट्रीम का प्रोसेसिंग का अगर डायरेक्ट लिखा जाए, तो एनसीईआरटी ने कहा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो स्टेप मेनली होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मेनली दो स्टेप होते हैं। पहला होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंस है, जब आप इसे निकालेंगे इसमें से, तो आउटलेट से जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें बैक्टीरिया आएगा, इसमें जो है सब्सट्रेट आएंगे, इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो क्या आपको क्या सारी चीजें चाहिए, क्या बैक्टीरिया भी चाहिए? हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए ना यार, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो प्रोडक्ट है हमें इस प्रोडक्ट चाहिए। तो हम सेपरेशन में क्या करेंगे, इनको निकाल के बाहर कर देंगे और प्रोडक्ट को बाहर कर लेंगे। तो जब सेपरेशन करेंगे और प्लस दूसरा काम करेंगे जिसे प्यूरिफिकेशन कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। सेपरेशन के बाद दूसरा स्टेप कर लेंगे प्यूरिफिकेशन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मिले दो स्टेप होते हैं, सेपरेशन करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बाहर कर लेते हैं और अनवांटेड सब्सटेंस को निकाल के बाहर कर देते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफायर मशीन में लगा के उस प्रोडक्ट को लगातार साफ करते हैं। पहले हम सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद ये देखिए एडिशन ऑफ अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या एनसीईआरटी में किस सीक्वेंस में लिखा है आपको भी समझना है। ये देखिए अगला स्टेप होता है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम प्रिजर्वेटिव लगा देते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव वो चीज होती है जो प्रोडक्ट को देर, मतलब उनकी लाइफ स्पैन की टाइम को बढ़ा देती है। आप कोई भी मार्केट में कोई भी चीज देखते हैं तो सब में प्रिजर्वेटिव लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक देखिए उसकी बॉटल के नीचे प्रिजर्वेटिव लगा रहता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक कभी देखेंगे तो उसकी बॉटम पे आपको प्रिजर्वेटिव दिखाई पड़ेगा। मेडिसिन है, कुछ भी है, सब में प्रिजर्वेटिव लगे हैं जो उसको प्रिजर्व रखते हैं। जिसमें आपको प्रिजर्वेटिव का सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं, जब हम गांव में घर में अचार बनाते हैं तो उसमें साल्ट डाल देते हैं। साल्ट मतलब एनएसीएल। तो एनएसीएल क्या करता है? प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो एनएसीएल के कारण बैक्टीरिया की कॉलोनी उस अचार पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही आजकल तमाम तरह की मार्केट में प्रिजर्वेटिव है। इवन आप सेब कभी खरीदने जाइए, मैं आपको प्रिजर्वेटिव को मतलब समझाना चाहता हूँ। सेब खरीदने जाइए तो सेब के ऊपर एक सफेद कलर की लेयर लगी रहती है, तो आप उसको सेब को इसे अंगूठे से रगड़ेंगे तो आपको समझ में आई बात। वो क्या करती है, उस सेब को जो है सड़ने नहीं देती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे टमाटर के ऊपर प्रिजर्वेटिव लगा रहता है, दवाओं के ऊपर प्रिजर्वेटिव लगा रहता है, बिस्किट के ऊपर प्रिजर्वेटिव लगा रहता है, हर चीज में प्रिजर्वेटिव है। जो मार्केट में देर तक आपके सामने पड़ी है जिसे आप रोज देख रहे हैं, इवन आलू जो होती है उसके ऊपर सफेद कलर का आप व्यक्ति को रंग देते हैं ताकि वो आलू सड़ने ना पाए। तो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करने से उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाती है। हम ये काम कर देते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव करने के बाद हम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं।
स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, हम ये चेक करते हैं कि भाई इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल है कैसा है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, मतलब क्वालिटी की कंट्रोलिंग होती है। कैसे चेक करते हैं, इसके लिए अलग अलग तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, जो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें वो क्वालिटी है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट है क्वालिटी है तो उसको आगे जाने देते हैं, नहीं तो फिर आगे जाने नहीं देते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के बाद उसके बाद हम लोग उसका जो है हम लोग ह्यूमन ट्रायल लेते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बाद हम लोग उसको ह्यूमन ट्रायल में ले जाते हैं। ह्यूमन ट्रायल का मतलब समझें, इसे ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको किसी डायरेक्ट सीधे मास पॉपुलेशन पे हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो शेड्यूल टाइप्स का होता है। शेड्यूल टाइप्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको एसटी कहा जाता है। तो उनके ऊपर सबसे पहले किसी लोकल पॉपुलेशन पे इसका ट्रायल किया जाता है, ह्यूमन ट्रायल लगातार करके उसके हम रिजल्ट देखते हैं। जब हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है तब उसे हम मास पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। जब ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाती है, ह्यूमन ट्रायल हो जाता है, तो ये देखिए उसकी पैकेजिंग हो जाती है, मतलब उसको पैक करते हैं, पैकेजिंग हो जाती है। और फिर ये देखिए बेटा, लास्ट स्टेप में हम इसकी मार्केटिंग कर देते हैं, मार्केट में मेडिसिन को उतार देते हैं और उसकी सेलिंग शुरू हो जाती है। तो ये स्टेप है जिसके द्वारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मेनली कितने स्टेप आते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मेनली दो स्टेप आते हैं। एक आता है सेपरेशन, दूसरा आता है प्यूरिफिकेशन। फिर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, ह्यूमन ट्रायल लेते हैं, पैकिंग करते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं इस प्रोडक्ट का। और इस तरह से दुनिया में नई कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोडक्ट फिर से हम लोग लॉन्च कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का।